नमस्कार, देवेंद्र सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी डेज की, डेट्स से संबंधित, क्योंकि मई का ये जो माह है, इस समय जो डेट्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसीलिए आज हम इसे फिर से देखते हैं। देखिए आज इट मीन्स 11th of May, 11 मई का दिन भारतीय इतिहास में फिर से इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है जिस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण था 10 मई का दिन। ठीक है, देखिए इतिहास में कैसे 1998 में 11 मई का यह दिन दर्ज हुआ है। इस दिन भारत देश में किया गया था एटॉमिक टेस्ट, सेकंड वाला एटॉमिक टेस्ट। देखिएगा, भारत देश का जो एटॉमिक टेस्ट है वो सबसे पहले इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया था सन 1974 में। उसे कहा गया था पोखरण वन, पोखरण रेंज जो कि राजस्थान में आती है वहां पर किया गया था। और जो दूसरा टेस्ट था जिसमें कुल 5 विस्फोट किए गए थे, इसे कराया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के समय पर, इसे ही कहा जाता है। इसीलिए उस समय भारत देश क्या हो गया, जो दुनिया की एटॉमिक पावर्स थी, जो 5 एटॉमिक पावर्स थी उनमें भारत देश भी शामिल हो गया और भारत देश एटॉमिक पावर वाला विश्व का 6वां देश बन गया। मैं बार बार कहता हूं, मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि कभी भी दो एटॉमिक पावर्स वाले जो स्टेट हैं, जो देश हैं, उनके बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं हुई है। डायरेक्ट वॉर का मतलब इनडायरेक्ट वॉर, कोल्ड वॉर हमेशा चलती रहती है, लेकिन अगर मेरे पास भी हथियार होगा और आपके पास भी हथियार होगा तो मैं आपको कैसे धमका पाऊंगा, है ना। और अगर एक व्यक्ति के पास हथियार होगा, दूसरे व्यक्ति के पास हथियार नहीं होगा, तो सीधी सी बात है धमकाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बनती है। इसीलिए जैसे ही भारत देश के पास ये एटॉमिक बम आए और उन्होंने छुप छुप कर, है ना, परीक्षण जैसे तैसे किया, उस समय से भारत देश एक महाशक्ति के रूप में उभरना शुरू हो गया। और वहीं से आप 21वीं सदी का भारत देख सकते हैं, जब 5G और हमारी जो $3 trillion की GDP है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और भी, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप समझ गए इन सारी चीजों से, 11 मई सन 1998 को भारत देश ने क्या किया था, पोखरण 2 शक्ति प्रथम इसे नाम दिया गया था। 5 परीक्षण किए गए थे, है ना, और इसमें हमने डेटा भी कलेक्ट कर लिया है। इट मीन्स ये है कि अब जब बाद में हमें परीक्षण करना होगा तो हमें सब करने की जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, हम कंप्यूटर में क्या कर लेंगे, डेटा से हम परीक्षण कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई, पहला कब हुआ था, 1974 में। उस समय कहा गया था बुद्धा स्माइलिंग, जब दुनिया कह रही थी कि आपने तो परीक्षण कर लिया तो हमने कहा तो बुद्ध मुस्कुराए हैं, और बुद्ध मुस्कुराएंगे तो थोड़ी तो धरती हिलेगी। 1988 में फिर से हुआ तो कहा गया बुद्धा अगेन स्माइलिंग, बुद्ध क्या हो गए, फिर से हंस दिया, फिर से हंसेंगे तो धरती तो थोड़ी बहुत हिलेगी ही हिलेगी, है ना, ऐसा ही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, आपने एक दिन पहले देखा था 10 मई भारत देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसे भारत देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है। अब आपको पता होगा पाबना विद्रोह जो सन 1827 का है, इसे भारत देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष घोषित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। गलती मत करिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष इसे कहा जाता था, अब 1827 के पाबना विद्रोह को क्या कहा जाता है, भारत देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। एक दिन पहले हमने 9 मई को देखा था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, 8 मई को हमने देखा था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ऐसा रेड क्रॉस, और इसी दिन हमने देखा था वर्ल्ड कौन सा, थैलेसीमिया दिवस, आरबीसी से जो संबंधित था। ठीक, इसके अलावा देखिए 7 मई को आपने देखा था बैसाख दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध के विषय में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी। इसके अलावा 7 तारीख को ही आपने देखा था वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, एथलेटिक्स फेडरेशन ये चाहता है कि एथलेटिक्स को जो आपकी मार्कशीट है वहां पर प्रॉपर शामिल किया जाए, उसके मार्क्स को शामिल किया जाए, एक बड़ा इनका उद्देश्य। 5 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड अस्थमा डे, सांस की बीमारी, इसी दिन हमने मनाया था वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ये दिवस आपके लिए इस साल पूछे जाने की सबसे बड़ी संभावना बनती है कोरोना वायरस की वजह से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 मई वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 5 तारीख को ही हमने मनाया था इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल की थीम है WHO की मिडवाइफ्स से संबंधित, और नाइटिंगल, फ्लोरेंस नाइटिंगल की 200वीं जयंती के उपलक्ष पर भी 2020 को कौन सा ईयर ऑफ मिडवाइफ्स एंड नर्सेस घोषित किया गया, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। 4 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, अमेजन के जंगलों में आग और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग, है ना, आपने देखी थी। 3 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मई को ही हमने मनाया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आपको पता भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 2 तारीख को हमने मनाया था वर्ल्ड कौन सा, ट्यूना फिश डे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1 तारीख को हमने मनाया था श्रमिक दिवस है, इंटरनेशनल लेबर्स डे। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने अपने देख लिए ये
आज के दिन के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा एक मिशन जारी किया गया है, मिशन सागर। मिशन सागर, मिशन सागर क्यों जारी किया गया है भाई? जो भारत देश के आस पड़ोस के जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, उन्हें हम उनके पास हमने एक जहाज भेजा है जिसका नाम है क्या, INS केसरी, इंडियन नेवल शिप INS केसरी। हमने जहाज भेजा है, इसमें हमने दो मेडिकल टीम भी भेजी है और कुछ मेडिकल की दवाइयां और कुछ इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, जो हमारे नीचे के हिंद महासागर के जो क्या है द्वीपीय राष्ट्र है, पांच जो द्वीपीय राष्ट्र है, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोसोव, तो इनको हमने सहायता भेजी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिशन सागर। कौन सा जहाज गया? INS केसरी। इसके अलावा आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही भेजा गया था कौन सा, ऑपरेशन समुद्र सेतु। कहाँ भेजा गया था? मालदीव भेजा गया था, जो भारतीय लोग फंसे हुए कोरोना की वजह से विदेश में, उसको दोबारा वापस भारत लाने के लिए। इसके अलावा एयर मिशन एक भेजा गया था जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत क्या है, जो फ्लाइट्स हैं भारत देश की वो बाहर जा रही है और वहां से भारतीयों को जो आना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लें, वो क्या है दोबारा भारत आ जाए। 1.5 लाख के आसपास लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, भारत सरकार को उम्मीद है कि 4 लाख के आसपास लोग भारत देश आना चाहेंगे इस महामारी के समय में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास नरेंद्र बत्रा। आपको पता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है कौन, भारतीय व्यक्ति नरेंद्र बत्रा। इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, इनका कार्यकाल कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसे बढ़ा दिया गया है मई सन 2021 तक। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है। देखिए, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है, अगर उसमें कोई भारतीय CEO या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता है तो हमारे लिए गर्व की बात होती है। खास तौर से ऐसे संगठन, प्रमुख खेलों के संगठन जो बहुत लंबे समय से सस्टेन कर रहे हैं। अब जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसकी स्थापना हुई थी सन 1924 में। देखिए कितना पुराना संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो लोजेन स्विट्जरलैंड में है और जो इसके CEO है वो है थेरी व्हील। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थेरी व्हील, ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, FIH कौन, नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास WHO। WHO ने UN पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ एक साझेदारी करी और एक क्या है, डाक टिकट लॉन्च करी है। किस लिए? चेचक के उन्मूलन के 40 साल होने की वजह से, चिकन पॉक्स। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, बीमारियां पहली बार नहीं आई है विश्व में, बार बार बहुत सारी बीमारियां जिसने पूरी की पूरी दुनिया को ग्रसित किया था, हम धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजी के दम पर क्या हुए हैं, उभरे हैं। वैसे ही चेचक एक समय पर बहुत बड़ी बीमारी थी चिकन पॉक्स की, अब उसका टीका खोज लिया गया है और इसके अब उन्मूलन के 40 साल हो गए। इसलिए पोस्टल डिपार्टमेंट, UN के पोस्टल डिपार्टमेंट ने WHO के साथ मिलकर एक डाक टिकट जारी की। पूछा यह जा सकता है डाक टिकट किस विषय पर जारी की गई है और किन किन संगठनों के द्वारा जारी की गई है। WHO बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपने 7 अप्रैल को मनाया था वर्ल्ड कौन सा डे, वही हेल्थ डे। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और टेड्रेस एडहनम इसके क्या है, प्रमुख हैं, बहुत महत्वपूर्ण है भाई WHO हाल फिलहाल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास SBI। SBI ने एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च करी है जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी। भाई देख लीजिए, ये थोड़ा सा नाम क्या है आपका, आरोग्य सेतु टाइप का है ना, कि जो आरोग्य संजीवनी ऐप है, मैं फिर कह रहा हूँ आरोग्य सेतु ऐप था उसी से आप लिंक कर लीजिए आरोग्य संजीवनी। भाई SBI की शुरुआत कहाँ से होती है, SBI से, S मतलब संजीवनी, तो हो गया आपको याद, आरोग्य एस, तो SBI क्या करेगा, आरोग्य सेतु के माध्यम से संजीवनी बूटी देगा, ऐसे याद कर लीजिए। तो SBI ने आरोग्य संजीवनी एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च करी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको पता होगा भारत देश की ऐसी पहली क्या थी, इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज लिए यह कहा था कि अगर कोई कोरोना से ग्रसित होगा या मृत्यु होगी तो हम उसे बीमा देंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं, उसका नाम था टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, बिना किसी प्रीमियम के इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी पॉलिसी धारक हैं हम उनको क्या करेंगे भाई, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ये सब प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण था ये हमारे पास टाटा AIA SBI, ठीक है। SBI आपको पता है भारत देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास भर ICMR। आपको याद होगा मैंने बताया था ICMR ने इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ समझौता किया था टेस्ट किट, जो टेस्ट है कोरोना की, जो टेस्ट किट है उनकी डिलीवरी के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से टेस्ट किट क्या है पहुंचाई जा सके। इसी ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने
किसके साथ? भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है जो कोरोना की वैक्सीन है उसको बनाने के लिए। तो देखिए दो आपके पास क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से, एक तो क्या हो गया आईसीएमआर ने इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ समझौता किया, और दूसरा क्या किया आईसीएमआर ने, भारत बायोटेक के साथ समझौता किया, किस लिए? कोरोना की टेस्ट किट के लिए। आईसीएमआर का मुख्यालय दिल्ली में है और जो इसके प्रमुख है वो है डॉक्टर बलराम भार्गव। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। देखिएगा भारत देश का जो एक राज्य है कौन, असम। असम में क्या हो रहा है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है। आपको शायद ना पता हो अफ्रीका में सुअर पालने का जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, खासतौर से कौन जो ग्रामीण किसान है वो सुअरों को बहुत बड़ी मात्रा में पालते, लाखों की संख्या में है असम में क्या सुअर है। अब अगर वहां पर स्वाइन फ्लू फैलता है तो एक तो कोरोना की महामारी से वैसे ही अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, और अगर ऐसा भी होगा गांव तक भी अगर ऐसे छोटे छोटे वायरस पहुंचेंगे या गांव तक भी अगर क्या होगी अर्थव्यवस्था में मार पड़ेगी, तो ऐसे में तो फिर भारत देश का जो बिल्कुल न्यूनतम तबका है, आप देख रहे हैं मजदूर वैसे ही बहुत परेशान है, वो क्या होंगे, बहुत ग्रसित हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत देश में अफ्रीकन कौन से स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य, असम। ये पूछा जा सकता है कहां पर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के लक्षण भारत देश में देखे गए हैं, तो भी असम राज्य में देखे गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ है भाई, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और पहली बार कहा है कि ग्रामीण भारत में जो इंटरनेट के उपयोग करता है उन्होंने शहरी भारत के इंटरनेट उपभोगकर्ताओं को क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं और भारत देश जो इंडिया है ना, मतलब शहरी जो इंडिया है वहां पर 205 मिलियन क्या है, सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। तो इसे कहते हैं इंटरनेट क्रांति। देखिए भारत देश का जो शहर है वो पीछे छूटता जा रहा है गांव की अपेक्षा, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वहां पर एक भारतीय व्यक्ति, सॉरी वहां पर एक क्या है, हिंदू व्यक्ति को क्या बनाया गया है, पायलट बनाया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान की सेना में पहली बार एक हिंदू को पायलट बनाया गया है जिसका नाम है राहुल देव। बहुत महत्वपूर्ण बनता है आपके लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये बन सकता है पाकिस्तानी सेना की एयरफोर्स में पहला हिंदू पायलट कौन है, तो कौन है, राहुल देव। बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज भूलिएगा मत। इसके अलावा देखिए बार बार मांग की जा रही है भारत देश में खास तौर से स्कूलों में कि स्कूलों के पेपर को क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और ऑटोमेटिक मतलब परीक्षा बिना परीक्षा के क्या कर दिया जाए, पदोन्नत कर दिया जाए। तो ऐसा पंजाब की सरकार ने दसवीं के पेपर को क्या कर दिया है, पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। आपको पता होगा कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था, पंजाब ही था, जिसने एकदम से क्या कर दिया था, अपने आगे लॉकडाउन को भी 1 मई तक एक्सटेंड कर दिया था। तो पंजाब सरकार ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा है कि हम दसवीं का पेपर नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक बच्चे 11th में बिना पेपर दिए पहुंच जाएंगे। मुझे भी बहुत बार फोन आते रहते हैं कॉलेज से कि सर क्या हो रहा है, तो देखिए कॉलेज के पेपर होंगे, स्कूल में भले ही हो जाएगा लेकिन कॉलेज, क्योंकि आप अपनी मर्जी से चुनते हैं उच्च शिक्षा को, उच्च शिक्षा पाना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। उच्च शिक्षा आप अपने आप को क्या करते हैं, ऊपर बढ़ाने के लिए, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, उच्च शिक्षित होने के लिए, स्किल लेने के लिए, अलग से पढ़ाई करने के लिए आप क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो स्कूल की पढ़ाई बेसिक में आती है, उच्च शिक्षा आती है, इसमें ऐसा नहीं होगा, भले ही कितना समय लग जाए पेपर आपके कंडक्ट होंगे ही होंगे, ये निश्चित है। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ है, सहकारी बैंक ने क्या हुआ है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो सरोगेसी एक्ट है 2002 का वो सहकारी बैंकों में भी लागू किया जाए। एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं भाई, बैंक से क्या करते हैं, पैसा कर्ज ले लेते हैं, है ना, और उसके बाद वो क्या करते हैं, इसे चुका नहीं पाते हैं, तो जितना पैसा मान लीजिए उन्होंने घर रखकर ये पैसा लिया है, तो अब होता क्या था कि ये घर क्या है, एक अचल संपत्ति है, तो इसको नीलाम नहीं कर पाता था बैंक, रखा तो है लेकिन अब ये सरफेसी एक्ट क्या कहता है कि अगर आपसे कोई पैसा लिया गया है और अगर ये चुका नहीं पाता है तो 6 माह का आप इंतजार करिए, उसके बाद आप इस संपत्ति को क्या करिए, बेच दीजिए और अपना पैसा वसूल कर लीजिए। तो इस सरफेसी एक्ट के तहत ये क्या है, सहकारी बैंकों को भी अब यह अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने जो क्या है, जो लोगों ने अचल संपत्ति रखी उसको नीलाम कर सके और भारत देश का नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए को कम कर सके। अतः हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज आज खत्म होती है।
अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।